तंदूरी रोटी, नान या फिर कुलचा, ये सब बड़े तंदूरों में लगाए जाते हैं। तो क्या तंदूरी रोटी घर में नहीं लगाई जा सकती? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप घर में तंदूरी रोटी बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल में 2 कप गंदम का आटा लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच घी और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप दही, 1/2 कप मिक्स कर लेंगे। जरूरत के मुताबिक पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को अच्छे से मसल के गूंदना है। अब इस आटे की डो को 1 घंटे के लिए रख देंगे। तंदूरी रोटी बनाने के लिए अब इसमें से छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। और अब पेड़ों को बेलना शुरू करते हैं। कोशिश करें कि बेलते वक्त कम से कम सूखा आटा इस्तेमाल करें। याद रखें कि बेहतरीन तंदूरी रोटी बनाने के लिए पेड़े को बहुत बारीक नहीं बेलना। अब एक बड़े साइज का प्रेशर कुकर लेंगे और इसको प्रीहीट कर लेंगे। इसके बाद इसमें इस तरह से रोटी लगाएंगे। अब कुकर को ढक देंगे ताकि अंदर भाप बन जाए और रोटियां फूलने के साथ साथ अच्छी तरह पक जाए। जब रोटी फूलना शुरू होगी तो हम प्रेशर कुकर को पलटकर इस तरह से रोटियों को सेक लेंगे। तो लीजिए, हमारी तंदूरी रोटी तैयार है। इसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।